अंदर कितने लोग हैं? एक नहीं, दो जन है अंदर। दो हट्टे कट्टे गबरू जवान अंदर पड़े हुए हैं, दोनों फांसी की इंतजार कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि प्रेसिडेंट उन्हें क्षमा करेंगे। उन्होंने किसको टपकाया? अरे रमेश, तुम किस दुनिया में जी रहे हो? इस हिंदुस्तान में एक इंसान की कीमत क्या पता? कीड़े से भी बदतर जिंदगी जी रहे यहाँ इंसान। एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग। बहुत ही सस्ती हो गई है जिंदगी। दो मिनट खुद के बारे में सोच के देखो। सॉरी सर जी, अनजाने में। मुझसे सॉरी बोलते ही तुम्हें तसल्ली मिल गई होगी, मगर यहाँ कितने लोग सॉरी बोले होंगे बाहर जाने के लिए? आज बहुत सारे लोग यहाँ पछता रहे हैं अपने किए पर। बहुत जालिम है ये दुनिया, और इंसानियत भी मर चुकी है। सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। किसको टपकाया उन्होंने? क्या बात है प्रेम, आज लोडिंग करने आ गए? पैसों की तंगी है जाफर भाई। किस्मत वाले हो, पैसे नहीं तो लोडिंग पे आ गए। जब रेस की जरूरत पड़ती है तो राजू बड़बैया के यहाँ काम करते हो। खिल्ली मत उड़ा, वो एक दिन बहुत बड़े वकील बन जाएंगे, तुम देखते रह जाओगे। सिर्फ एक केस काफी है, एक केस। सच है, पर केस तो आना चाहिए ना। स्कूल ट्रिप के बाद मछली की टोकरी ले जाने के बजाय तुम इसे ट्रैवल की गाड़ी बना सकते हो। क्या करूं प्रेम, भूल से परमजीत के आदमियों को ले गया तो जो आला जगन्नाथ के लोग गुस्सा हो जाते हैं, जो आला के लोगों को ले जाओ तो परमजीत के लोग गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ किसी सुअर की मार नहीं खानी पड़ती ना। तूने मेरे मालिक को सुअर कहा, हरामखोर? बनवारी भैया, मैंने कुछ नहीं बोला। आगे मत बोलना, चल बे। मैं चलता हूँ प्रेम, अगर यहाँ रहा तो दूसरे लोग भी आकर मेरी पिटाई करेंगे। हाँ, चलता हूँ। अरे घसीट के निकालना। अरे भैया जरा जल्दी कर। अरे विनोद, हाँ ये कहाँ गया? मालिक मैं यहाँ हूँ। अरे तू यहाँ बैठा हुआ, जल्दी करो विनोद, वोट जाने का समय हो गया, अभी तक बैठा है। मालिक अबनोस आया है, साथ में गुंडे भी हैं। अब क्या करूं मैं, मरवा दिया। छी, यहाँ के शैतान को जब मैंने भगाने की कोशिश की तो वहाँ जाके पैसा ले लिया। बांग्लादेशी है, उसके पास 12-13 बोटे हैं। 12? उसकी बाप की 13 भी। ये तो सांप को दूध पिलाने के बराबर है। जल्दी वहाँ से हटा दो इब्राहिम भाई। Thank you.
बाप के तेरवी के बारे में बोल रहे थे ना। इब्राहिम भाई, सांप से दुश्मनी मत मोल लेना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। अरे रोज दादा, दरअसल बात कुछ और ही है। ए, मेरे बाप की तेरवी की बात ना सुन ली। सीधी तरह पैसे रख दे इब्राहिम, टाइम नहीं है, कर्ज से डूबा है अपन। इस तरह कहेगा तो क्या होगा भाई? अरे इसी के लिए तो अपन डायरेक्टली आयला है, अपन को देख के पैसा भी जेब से बाहर आ जाएगा। अरे पैसा निकालना मतलब पैसा हाथ में ची है। हे, घूरना मत, ये अपुन का ही सेटअप है, ऊपर से नया है और केस का मामला है, रहने देना। क्या अपुन चलता है इब्राहिम भाई? परमजीत मालिक, आप भी हमारे लिए सब कुछ हैं। जल्दी करो, हमें और भी काम है। हाँ, ये लो पियो, ऐसा ही अंडा ये भी है। याला। चाल से लगता है ये बागदाद का सुल्तान है। जगन्नाथ मालिक के चुटकी बजाते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, फिर वो जिंदा नहीं आएगा। अरे बड़ा आया, जगन्नाथ तो ताली बजाएगा, उसे हमारे मालिक के बारे में पता नहीं है, वो एक इशारे में ही काम कर जाते हैं। लुक ही काफी है, लोग पतली गली से भागते हैं। अम्मा यार क्या बोल रहा है तू? अपुन की बात सुन, अपुन के लिए भिंडी बाजार ये डोंगरी सब एक समान है, डर के भागने वाले में से नहीं हूं। की खूब पिटाई कर रहा है, ये आज जरूर मरेगा।
यहाँ पे धंधा नहीं करना, मैंने तुम्हें चेतावनी दिए थे, लेकिन तुम सुना नहीं। 3-4 लौंडों के साथ मिलकर तूने अपुन को धमकाया। ये अपुन के बाप का साम्राज्य है, ज्वाला जगन्नाथ का साम्राज्य। चलो अबे हट। शुगर नॉर्मल हो गई है, ये किस लिए? ये गैस के लिए है। दीदी क्या है? जीजा क्या है? विष्णु सुना, अर्नोस को टपका दिया। हाँ बहुत खूब, जो मैंने सोचा था हमारे आदमियों ने उसे करके दिखा दिया, बहुत खूब। हमारे आदमी नहीं, जगन्नाथ के आदमी। कौन कौन थे हार्बर में? किस लिए अपने आप को मर्द कहते हो? डूब क्यों नहीं मरते? उस अर्नोस को मारना या मर जाना, इसके लिए जिगर चाहिए, जिगर। और हमको जिगर वाला ही चाहिए। जब चाहा पैसा, होटलों में खाना पीना और ऊपर से सुंदर लड़की, जब ये सब मिलने लगा तो जो काम दिया वो करना भूल गए। ज्वाला जगन्नाथ, आज सचमुच ज्वाला बना दिया है उसने। हम उन सबको टपका देंगे जीजा। नहीं, उससे पहले हम एसआई जैरिन जॉन से जरूर मिलेंगे। सटवा उतारो, अब उतार ले। चलो साफ करो। चलो साफ करो। अरे करो साफ। अच्छी तरह से ई का टुकुर टुकुर देख रहा है, साफ करो तारा। हम समझाए का? ठीक से पोछो। ई हुई ना बात, काम अच्छी तरह से मालूम है, आराम से। हाँ थोड़ा बच गया, और साफ करो। अब इनको धोना पड़ेगा कपड़े की तरह। कुंवर सिंह सर, तनिक एकरा धो। सर बदमाशी करता है। कौन है भाई, नया नया दूल्हा बनकर हमारे सामने खड़ा है? यह है ब्लूटूथ मोहिदीन। मोबाइल में नंगी लड़कियों की तस्वीर लेना इसका काम है सर। आज ये रंगे हाथों पकड़ा गया। इसके लिए नारियल की चटनी बनाई है क्या? नहीं सर, चटनी के लिए नारियल नहीं है सर। अरे घोचू नारियल लेके आओ ना। ठीक है सर। अरे बापरे, अरे बापरे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं छोड़ो, छोड़ो मुझे, नहीं ऐसे नहीं करूंगा। छोड़ो 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 मुझे, बाप रे। अरे नहीं छोड़ो, नहीं ऐसे नहीं करूंगा। छोड़ो प्लीज प्लीज, अरे छोड़ो, अरे अरे छोड़ो मुझे, अरे नहीं, अरे 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 प्लीज, अरे छोड़ो, अरे नहीं नहीं सर, नहीं छोड़ो। अयो अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो बस बस। अब चटनी के लिए नारियल तो रेडी हो गया है। बहुत है साहब। परमजीत मालिक, आप तो हमको भूल ही गए। बहुत खुशी। कब? ओह पहुंच जाऊंगा, पहुंच जाऊंगा। उसको टपकाने का इरादा है तो अमिताभ साहब को बुलाइए। अरे नहीं, उसे टपकाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ सब कुछ मेरे अधीन है।
अगर वो थानेदार हमारे साथ में होगा तो हमें थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। अगर दबाएंगे तो सबको दबाना होगा, काफी खुरापाती है सब लोग। तुम्हारा कहना सही है, जगन्नाथ का अपना क्षेत्र है, इस बात को कभी मत भूलना। अमिताभ साहब के आने तक किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। ये तो जान से मार देगा। खुद को बड़ा दादा समझता है। इस औरत को क्या हो गया? झांसी रानी से टक्कर ले रहा है। कितने? 80। हाँ, 50 नहीं, 80 का था, 80। हाँ हाँ, उतना काफी है, मैं ज्वाला मालिक का आदमी हूँ। हाँ हाँ, तुझे देखते ही समझ गई थी मैं, बड़ा आया। झांसी दीदी। हाँ। क्या हुआ दीदी, सुबह सुबह ऑटो वाले को श्राप दे रही हो? हाँ, श्राप दिए बगैर कैसे रहूंगी मैं? है? बहुत दूर आने के बाद 50 रुपये देकर बोल रहा है वो ज्वाला जगन्नाथ की पत्नी का कोई रिश्तेदार है। मैं भला क्या कर सकती हूँ, मारने का लाइसेंस जो है उनके पास। बड़ा आया ज्वाला जगन्नाथ। तो परमजीत के बारे में क्या ख्याल है? वो तो और भी बड़ा चोर है। दोनों मिलकर सबको लूट लेंगे, पुलिस वाले भी उनका साथ देते हैं। वो तो है। हम जैसे गरीबों की हालत देखी है ना तुमने। तुम कहाँ जा रहे हो? हमेशा की तरह भाड़ा वसूल करने के। बाप रे, इस बंदे को इसके अलावा और कुछ नहीं मिलने वाला। जब भी तुम पैसा पूछो उसे देने के लिए तुम्हारे बाप ने दे रखा है क्या? और नहीं तो क्या, ये मेरे बाप की जागीर है। मैंने तो बस अपना किराया मांगा आपसे, कर्ज के बोझ से दबा हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए। कर्ज के बोझ में तो विजय माल्या भी डूबा हुआ है। परमजीत के लोगों से पैसा निकालना बहुत मुश्किल काम है। हमसे भाड़ा लेने की हिम्मत उस परमजीत में भी नहीं है, फिर तू किस खेत की मूली है? किराए के बहाने दोबारा यहाँ दिखा तो टांग काट के हाथ में दे दूंगा तेरे। चल फूट जा। एप्लीकेशन सब ठीक है जमुना बेटी, सब कुछ ठीक है, कोई गलती नहीं है। छोटी सी गलती भी काफी है, कुछ लोग एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। ऊपर से मुझे नौकरी ना मिले ऐसी आप भी प्रार्थना करते रहते हैं। इस तरह मत बोलो जमुना बेटी, तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिले यही मेरी प्रार्थना है। अच्छी नौकरियां तो बहुत हैं, लेकिन बस ढूंढनी पड़ेगी और उसके लिए कष्ट भी उठाना पड़ेगा। जन्म से ही तुम कष्ट उठाती आ रही हो, उसमें कोई शक है क्या? जो कष्ट आपने मुझे पालने के लिए उठाए हैं उसके सामने ये कुछ भी नहीं है। माँ के गुजर जाने के बाद आप माँ बन गए, एक डैडी, भैया, दोस्त बनके, टीचर बनके, इस तरह से न जाने कितने कष्ट उठाए हैं, वो सब मेरे लिए ही है ना। एक और काम बचा है, उसके होने के बाद ही तसल्ली मिलेगी मुझे। शादी के लिए मैं जल्दबाजी कर रही हूँ ये सोच रहे हैं क्या? आजकल की लड़कियां पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। जब हाथ में कुछ पैसे वैसे आ जाते हैं तो जिंदगी में पति को सेलेक्ट करने में आसानी हो जाती है, इसलिए ऐसा वैसा कुछ ना सोच के ये नौकरी मुझे ही मिले ऐसी प्रार्थना कीजिए। चलो।
उड़ा उड़ा भागो। पहाड़ों के गुंडों से मरवाने के लिए क्या है इजिप्त या सीरिया है क्या? बोलिए, परमजीत के गुंडे हो या फिर जगन्नाथ के गुंडे, आप उनके लिए कीड़े हैं। कीड़े, इनसे भी बड़े क्रिमिनल्स को देखे हैं आपने, है क्या? ये सब मुझसे क्यों बोल रहे हैं? वहाँ नहीं बोल सकते इसलिए यहाँ बोल रहे हैं, है ना साहब? आज तेरा काम नहीं है क्या? समझा नहीं, वही काम कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लोडिंग के लिए तुम नहीं गए क्या? मैं नहीं गया, आज राजू परवैया का क्लर्क हूँ मैं, मैंने सोचा टाइम आज यहीं व्यतीत कर लूंगा। बसी भाई, इसे यूं ही नहीं छोड़ेंगे, तेरे जैसे गरीब को भाड़ा ना देने वाले उन कमीनों को एक सबक सिखाएंगे। क्या बोला, सबक? प्यार का सबक, इसके अलावा वकील साहब और क्या दे सकते हैं बताओ ना। तू चुप कर, बसे हम उन्हें एक शॉक देते हैं, उन्हें एक वकील नोटिस भेजेंगे हम, और वो देखकर दोनों कांपेंगे और कॉम्प्रोमाइज कराएंगे, उसके बाद आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों ना हम वकील राम मोहन से मिलते हैं। भला किस लिए? वकील नोटिस भेजने के लिए। प्रेम, ये सब होगा ना वकील साहब? जरूर होगा, होकर ही रहेगा, दो तीन दिन के अंदर वो दोनों मांडवली के लिए हमारे पास आएंगे। हे, तुझसे ही बोल रहा हूं ना, नहीं होगा। देखो, अब उन्हें एक बार बोल दिया तो बोल दिया, अब कोई गुहार नहीं। आइंदा इस मामले में मुझे मत खींचना, अगर खींचा तो तुम्हें बहुत ही जल्दी अमिताभ ऊपर भेज देगा, समझ लो। वाह वाह वाह, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, तुम्हारी मदद से दुश्मनों को सफाया करना चाहता हूँ, क्या तुम साथ दोगे? ये विष्णु मेरा साला है। ढीला क्यों है विष्णु? क्या नाम है उसका? ज्वाला जगन्नाथ। आज उस कमीने को अपन देख लेगा। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। क्यों भैया, अभी तक दुकान बंद नहीं की? अरे बस सब थोड़ा सा काम और बाकी है, बंद कर दूंगा। तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं, तुम मुझसे प्यार करो। अरे अभिजीत, गाना बंद कर। ये सब दोस्त समझो, कुछ भी बजना नहीं चाहिए, चलो सब नालों से मिला दो, नेक्स्ट ताबूत कर दो, हाथ देख मार, काट डालो सबको, चल बे, चल बे। ओए ना, ओए, ओए, अबे चला, हट, हट, हट इधर से, ओए, हट, हट, चला इधर से। आपको भी मार पड़ी क्या? पहली बार मार नहीं खा रहे ना, आदत सी हो गई है। मेरी दुकान की ऐसी की तैसी कर दी, वो हम फिर से बना लेंगे। हाँ। तुम्हें तो मार नहीं पड़ी ना, दुकान फिर से बनाएंगे, धंधा भी करेंगे, क्या कैसी हो? रात को तुमने खबर की तो सारा सामान मैंने हटा दिया, इनकी वजह से जीना हराम हो गया। अरे सही बोला तुमने, अरे तुमसे बढ़कर कौन है बता। अब क्या बताऊं मैं, सही समय में खबर मिल गई। हाथ में तुम दुश्मन हो और यहाँ दोस्त जान गए तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे चिंता मत करो, तुम दोनों बेवकूफ हैं। वो पागल ही है, मोटा है पर दिमाग नहीं है। हराम खोर, मार खा के आया है, छे। कितना नष्ट हुआ इस बारे में कोई खबर नहीं है भाजी? वो सब छोड़ो, खोए हुए सामान को फिर से पाना है। इस तरह के डरपोक लड़ाकों को साथ रखने से क्या फायदा है? आप कुछ सोचो मत, भिवंडी के हमसा को बुलाओ।
एक बात बोले मालिक, बुरा मत मानिएगा, भिवंडी की हमसा की हमें क्या जरूरत है? हाँ, यही मैं भी सोच रहा था। खून बहाने का इरादा नहीं है मेरा, भिवंडी के हमसा को तो आने दो। ये दोनों तुम्हारी इंतजार कर रहे हैं यहाँ काफी देर से। किस लिए? मुझे और लात मारने के लिए? अचानक इनके मन में तुम्हारे लिए दया आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो गया। ठीक कहा ना? अब मुझे किराए की जरूरत नहीं है। मेरे किराए के उन पैसों से अपनी तेरहवीं मनाना तुम लोग। सारा काम बिगाड़ दिया। इस तरह बोलने की हिम्मत नहीं है मुझमें मालिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे किराए दे रहे हैं आप, है ना वकील साहब? डैडी, गुंडा के तहत हमसा अंदर है, बदले में किसी और को भेज रहा है। किस लिए? हमसा का काम वही करेगा, कोई और नहीं करेगा। आप टेंशन ना लें, भिवंडी का हमसा ही भेज रहा है ना, डरपोक नहीं होगा। आने दीजिए, देखेंगे। We'll be right back.
कौन है? विनय नायक। ओहो विनय नायक। ओ मालिक विनय नायक, अरे वो तो मैं हूँ। तुम लोग कौन हो ये पूछ रहा हूँ। और मैं क्रिस्टी। विक्की। नजीर। बाबू देख लिया ना, ये लोग तो कातिलों के कातिल हैं। ये सबकी पूंगी बजा कर रखेंगे। हाँ भिवंडी के हंसा भाई बोल रहे मालिक। हाँ हेलो, सुनो चार पांच लौंडे आए हैं मगर कोई भी खरा नजर नहीं आ रहा है मुझे। खरा है ये साबित करने के लिए हम ये इम्तिहान देने नहीं आए। अपुन ने सुपारी ली है, काम को अंजाम देके ही रहूंगा। आपको शायद भरोसा नहीं हो रहा है, हम लड़के बेशक हैं लेकिन हम में हिम्मत की कमी नहीं है। इतना अच्छा ज्ञान है। पैसों की चिंता मत करो मगर परमजीत को जड़ से उखाड़ के फेंको, यही मैं चाहता हूँ। कर पाओगे क्या? परमजीत कोई साधारण आदमी नहीं है। इन सब के थोपड़ों को देखकर अब उनको पता लग गया कि परमजीत कौन है। सब कुछ खत्म होने के बाद ये पूरा साम्राज्य मेरे नाम से मशहूर होना चाहिए। वो हम पे छोड़ दो। एडवांस कितना चाहिए? एडवांस नहीं लूंगा, काम को अंजाम देने के बाद पैसा। वो कितना है वो काम के बाद ही बोलूंगा। ये हुई ना मर्दों वाली बात। तुम इस काम को अंजाम दे सकते हो तो फिर काम होते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिलेगा। ओके चल बे। ये नाम रोशन करेगा। ये अपने परफॉर्मेंस के दिन ही सबको हिला के रख देगा। ए भाई जेकब की बोट आने वाली है, मछलियों से भरी हुई है और वो आदमी जगन्नाथ का आदमी है। केआरपी को बहुत सारे ऑर्डर्स मिले हैं, उसे उत्तर की तरफ जाने बोलो नहीं तो आज जेकब की बोट पानी में डूब जाएगी। बोल देता हूँ।
हे यीशु मसीह। बाजू हट। ओ देख के पता चलता है कि ये सब के सब फाइटर्स हैं।
तुमसे मजदूरी लेने आए हैं, वो भी 2 लाख रुपए। जल्दी, बहुत काम है। अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, तुम यही रहो, मैं मालिक से पूछ कर आता हूँ। मालिक, वो गुंडे बच्चे आए हैं। ओह जी, अच्छा। बीस, तीस, चालीस, पचास, साठ, सत्तर, अस्सी, नब्बे और ये पूरे 100। भैया 10,000 है इसमें। बस 10,000 रुपए? हाँ, तुम 5 पांडव हो ना, एक एक को 2,000 बस। हाँ, ये किसी मंदिर की हुंडी में डाल देना। नायक, 2 लाख रुपए रेडी करके रखने के लिए अपने मालिक से बोल देना, हमें अपनी मजदूरी नहीं मिली तो तू मर गया। 2 लाख रुपए? हमारी ये बात नहीं हुई थी। वो तुमसे, लेकिन मालिक से हम लोगों ने 2 लाख की बात की थी, और हमसा भाई का भी शेयर बनता है। हाँ भैया, जरूर बनता है, जरूर बनता है। अच्छी पॉलिसी वाले गुंडे हो तुम सब। के बाद जब पैसा कोई नहीं देता तो उसे हम हराम ज्यादा बोलते हैं। देख लो, नायक अभी दुश्मनों के बीच घिर गया है। परमजीत के गुर्गे जब तक खाना लेके नहीं आते हैं, तब तक तू जिंदा रहेगा। वो तुम्हारा पिंडदान करेगा। सुनो, तुम मुझे कुछ मत करो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर बुलाओ जगन्नाथ को, दिलीप को या उसके बाप को बुलाओ। जफर, गोयनका, पता है जो लौंडे मारने आए थे वो किसके आदमी है पता है? जगन्नाथ मालिक के टीम के लौंडे हैं सब के सब। वाह भैया, वो कहाँ गए? चले गए। हाँ? काम को अंजाम देकर पैसे लेकर के चले गए। धत तेरी। सेल नंबर 18 में जो है उसका क्या हाल है? हमने तैयार कर दिया। एक और बार अच्छी तरह से चेक करना। हमारे ये मंत्री वगैरह जो है ना, जेल में आने के लिए बहुत ही आतुर हो जाते हैं। कैदियों के स्वास्थ्य के बारे में ये मंत्री लोग जानकारी हासिल करना चाहते हैं। जानते हो, उनके नजर में गरीब लोग बहुत ही म्लेच्छ होते हैं। सर, साथ में मीडिया भी होंगे ना? सर, पूछने की बात है क्या, मीडिया के बगैर ये मंत्री कभी आते हैं क्या? जोसेफ, पब्लिसिटी पाने के लिए ये मंत्री कोई भी हद पार कर सकते हैं। जोसेफ, ये उनकी गलती नहीं बल्कि हमारे ही लोगों की गलती है। ये आने वाला मंत्री चू चू चुन्नीलाल का आना, अमीन, उसका मुख्य उद्देश्य है मीडिया के सामने हमारी नाक कटाना, इसलिए उनके स्वागत में कोई भी कमी ना हो। सर, ओके। हाँ? देवदास, सब रेडी है ना? एवरीथिंग इज ओके सर, हमारी तरफ से सब क्लियर है।
हमसा। भिवंडी का हमसा, जेल के बाहर तुम्हारी बहुत ही अच्छी पहुंच है ना, बहुत जल्द तुम यहाँ से जा रहे हो। किसे किसे तुम्हारी जरूरत पड़ी? जिसे मेरी जरूरत है वो मुझे ढूंढ के आएगा। केस में दम है तो लेता हूँ, नहीं तो छोड़ देता हूँ। पैरोल में बाहर जाकर भागने का प्लान है तो उसे हम नाकाम कर देंगे। भिवंडी हमसा से वाकिफ हो ना? अगर अपुन ने वचन दिया तो उसे निभाना अपुन का कर्तव्य है। देख लीजिए साहब, किस लिए जिंदगी तबाह कर रहे हो तुम? किसी दुश्मन का खंजर एक दिन तुम्हारे सीने को जरूर छलनी करेगा, ये मत भूलना तुम। पते की बात बोल रहा हूँ। अब तुम जाओ इंशाल्लाह। बोल गए, उन्हें तुम्हारी जरूरत नहीं है क्या? वो बात नहीं हमसा भाई, वो लोग बहुत खुशी में हैं। अच्छा भोजन, अच्छी नींद और उनसे प्यार करने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं। बड़ी अच्छी बात कहे, लेकिन हमेशा एक नजर रखना उन पे। अरे नहीं, सबके सब बहुत अच्छे हैं भाईजान, लेकिन डरपोक हैं। अरे कार्तिक कुछ बोलो ना। कहीं भी हो अपुन की जिंदगी ऐसी है, वहाँ अपुन बहुत खुश था। एक और खुशी की बात बताऊं क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। तो इसी वक्त चलते हैं हम सब भाई? आज नहीं, एक छोटे से काम को अंजाम देना है। सेंट्रल जेल में सुपारी ली थी, खूबसूरत लड़कियों को देखते ही काम वासरा में अंधा होने वाला एक सुअर, उसका इलाज करना होगा मुझे, उसके बाद हम खुशी मनाएंगे। किसमें गिरेगी ये बिजली, बतला दे वो मंचली। होले होले बरसे क्यों शोले चोले रंगों से, शोलों को भी होला हम बना दे सनम। धड़का दे सबके दिल को एक नजर में हम, हे फूलों सा मन है मगर फोला दे हम। दड़का दे सबके दिल को एक नजर में हम, हे फूलों सा मन है मगर फौला दे हम। किस पे गिरेगी ये बिजली, बतला दे ओ मन चली। ओ होले होले बरसे क्यों शोले तेरे अंगों से, शोलों को भी ओला हम बना दे सनम। धड़का दे सबके दिल को एक नजर में हम। We'll be right back.
यारों का यार है जा भी कुर्बान। हो हम किसी से कम नहीं सुन ले मेरी जान, यारों का यार है जाने है कुर्बान। गुंडे दिल वाले गुंडे मत वाले हम है दिल वाले मत वाले गुंडे जाने मन। पल दो पल की जिंदगी है कर ले ऐश जरा है मुरझाए इससे पहले दे दे प्यार जरा। पल दो पल की जिंदगी है कर ले ऐश जरा जाए इससे पहले दे दे प्यार जरा। अनिल अवस्थी का घर कहाँ पर है? सीधे जाके बाएं मुड़ जाइए, तीसरा गली है उनका। मैं भी आता हूँ भैया। क्या कहा? भैया तेरे बेटे समान हूँ। ए छोड़ ना यार, चल यहाँ से। तू जा, मैं उससे मिलके आता हूँ। कार्तिक संभल के। हाँ हाँ। वो यहाँ क्यों आए? अनिल के घर आए हैं। हम सब भाई के चेले हैं, इसीलिए भाव दिखा रहे हैं। कहीं वो भी उनकी तरह ना हो जाए। यूं ही मिलने आया हूं। कुत्ते से बदतर जिंदगी जी रहा हूं। मुझे दवाई खरीदने के लिए तनिक पैसे दे दो ना। पांच दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस पैंतीस चालीस
जिसके पास पैसा नहीं है उसकी दवाई है मौत। दुश्मनों का सफाया करके तू बहुत बड़ा हीरो बन के घूम रहा क्या? तू क्या दबक बेचर का खल्ला का बोल बे? हथकड़ी पहना कर अपुन को घसीट के ले जाने के लिए दबंग फिल्म का चुलबुल पांडे हो? सुबह चला रहा है हराम खोर। पीछा कर रहे हैं, मेरी रक्षा कीजिए सर, प्लीज सर बचा लीजिए। तुम डरो मत, यहां कोई नहीं आएगा, अंदर आ जाओ। बताओ क्या हुआ था? हटो हटो, ये जरूर किसी को आज मारेगा। जाने दीजिए ना डैडी, थोड़ी दूर की तो बात है, हम पैदल चलते हैं। मैंने सोचा भी नहीं था इस तरह लास्ट बस भी छूट जाएगी। राजेश तुम दोनों कहाँ से आ रहे हैं? इंटरव्यू से आ रहे हैं, वो भी एर्नाकुलम से। अरे साहब बेटी को क्यों इतनी दूर नौकरी के लिए भेज रहे हैं? बेटी चाहे तो यहीं से पैसा कमा सकती है। चुप कर। सॉरी भैया, इनके मुंह से हमेशा ऐसी ही बात निकलती है। मैं उनको उतार कर आप दोनों को ड्रॉप करता हूँ। नहीं राजेश, थोड़ी ही दूर है, हम चले जाएंगे। तुम जाओ लेकिन तुम्हारी बेटी को हम ले जाएंगे। चलो जल्दी आओ, आओ भागो, पकड़ो उसे, जल्दी चलो, अन्य ना पाए, पकड़ो इसे, अरे पकड़ो। हाँ
छे, मिस हो गई, सब तेरी वजह से। कोई बात नहीं, कहाँ भटके भागेगी। सर प्लीज, वो मेरे डैडी को। तुम चिंता मत करो, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये लो, पहन लो। चलो गाड़ी में बैठो, हम तुम्हारे डैडी को ढूंढते हैं। चलो भी, मेरे आने तक उसका ख्याल रखना। ठीक है सर। What? Useless. तू क्या कर रहा था? सुबह होने से पहले तू उसे पकड़ के नहीं लाया ना, दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। Stupid. मेरे डैडी यहाँ नहीं है। जानता हूँ, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। क्यों ना हम अंदर जाके बैठते हैं। नहीं। चल, चल। छोड़ो। आओ। क्या हुआ, क्या हुआ बेटी? हाँ, रुको, क्या हुआ, बोल कर जाओ। बेटी बोलो क्या हुआ। एक काम करो। हाँ। इसमें क्लर्क का साइन लेकर आओ। जी अच्छा। ये आपकी फाइल है ना, या एक दस्तखत करना। प्रेम, हमने बहुत दस्तखत करे हैं, और कितने दस्तखत चाहिए। इस बार फैसला आपके हक में आएगा। राजू साहब आजकल वकीलों के जज और जजों के वकील हैं। प्रेम, हाँ, जरा इधर आना, इधर आओ। देख, ज्यादा झूठ मत बोलना, समझे? रहने दीजिए ना, हमें बहुत पैसे कमाने हैं सर जी, एक दो झूठ चलेगा। क्या वहां जो बोला वो सच ही बोला? ओ ठीक है, जाओ। तो फिर हम कल ही याचिका दायर कर देते हैं। इससे हमें कुछ फायदा होने वाला है वकील साहब? अरे बसी, ये वकील साहब का ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र बोलिए। चाहे कुछ भी हो, फायदा तो होगा ना। अच्छा, पुरानी गलती ना दोहराए तो अच्छा रहेगा। ए, पहले जैसा नहीं है, आजकल तो बहुत ही क्लीन हो गया है। फिर नहीं तो क्या, परमजीत और जगन्नाथ का टांडा मचा है वहाँ। ठीक कहा, परमजीत और जगन्नाथ के लोग ही वहाँ घूम रहे हैं। हे यहुआ, उन बच्चों की रक्षा करना। पहुंच गए अमिताभ ठाकुर। क्या हुआ परमजीत, लंगूर की तरह खड़े हो? लंगूर की धुम। सुनो, तुम्हारा तबादला मैंने इसलिए करवाया कि तू मेरी मदद करे यहाँ, अंडे सेकने के लिए नहीं। अरे ऐसी क्या बात हुई, बोलो ना। बता दिया तो क्या उखाड़ लोगे तुम? हर महीने हमसे गिनकर पैसे लेते हो ना, और मैं भी चाहता हूँ कि उसके बदले तुम मेरा काम करो। ये क्या विष्णु, तेरा जीजा सठिया क्या, क्या पागल कुत्ते की तरह भौंक रहा है ये? हमारे जीजा जी के बारे में आपकी क्या राय है बताइए। अरे तेरे जीजा के बारे में मुझसे ज्यादा तू जानता है। लोगों को लूटना, उनके माल को छुपाना, सब कुछ उना लगाने वाला एक चतुर लोमड़ी है ये, अ वाइल्ड ओल्ड फॉक्स। हाँ तो सुन लो, पता है आजकल इस लोमड़ी को कोई भाव ही नहीं दे रहा है। तो ये बात है। तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कल तक जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते थे वो आज मुझसे सवाल करने लगे हैं, और कल वो मुझ पर हाथ भी उठा सकते हैं, तो तुम क्या करोगे? यू बेकार में क्यों घबरा रहे हो परमजीत, उन पांच लौंडों के बलबूते गाँव वाले भौंक रहे ना यहाँ पे, मुझसे भी थोड़ी गलती हो गई यहाँ पे। और मैं भी चाहता हूँ कि उसके बदले तुम मेरा काम करो। आई डू एग्री, लेकिन इस तरह ढिंडोरा पिटने से क्या फायदा होने वाला है, कोई रास्ता ढूंढो, नया रास्ता। हाँ सही बोला, सांप भी मरे लाठी भी ना टूटे। अरे नहीं विष्णु, हम टूटी हुई लाठी से ही सांप को मारेंगे, मैंने उसके लिए रास्ता ढूंढ लिया है। रास्ता मेरे पास भी है, उसी के लिए तुझे बुलाया है। अब जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम किसी का फोन नहीं रिसीव करोगे।
आरती, एक आरती, मैंने तुम्हें बुलाया और तुम जा रहे हो। क्या बात है? घर के सामने से जा रहे थे तो मैंने बहुत बुलाया तुम्हें धन्यवाद देने के लिए, तुम थोड़ा रुक जाते ना, तुम्हारा जवाब ही नहीं। देख, तुम्हें बचाने के लिए मैंने नहीं किया, खुद को बचाने के लिए किया मैंने, तू साथ थी बस। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? देखो मैं ये शर्ट देने के लिए आई हूँ, ले लो। अब जा सकते हो। गणेश, हाँ काम शुरू कर दो, तुम्हारे एक ही वार से उनको पता चलना चाहिए टिप्पर गणेश अपुन का आदमी है। हाँ गणेश। हेलो हमसा, मैं हार्बर से टिप्पर गणेश बोल रहा हूँ। तुम जिन लौंडों को पाल रहे हो ना, उनसे बोलना कि जिंदगी में अपुन से कभी भेटने की कोशिश मत करना। टिप्पर, अपुन से दुश्मनी नहीं, अपुन को लड़कों को छोड़ दे। हाँ, क्या छोड़ दो? वो लौंडे तेरे गुर्गे हैं पता चला तो? अपुन ने सोचा कि उन सब के सब को वहीं टपका दूं क्योंकि अपुन ने सुपारी ली थी। नहीं टिप्पर, उन्हें छोड़ दे, वो मासूम है, मैं आता हूँ जहाँ तू बुलाएगा, वो भी अकेला। नहीं हमसा, अपुन वहाँ आता है, उससे पहले कबर खोद के रख ले, मेरी कस्टडी में तेरा वो लौंडा है, उसको अपुन आज ही टपकाने वाला है। हाट के बीच में दोनों को ले जाकर टपका दो, मैं उस भिवंडी के हंसा को रोते हुए देखना चाहूंगा। बहुत दूर तक उसकी आवाज गूंजनी चाहिए ताकि उसके बाद
कोई भी मेरे खिलाफ बगावत ना करे। विष्णु को भी साथ ले लो। बाजू हटो कमीनो। अरे चल हट हट इधर से हट भाव चल हट इधर से चल हट। अरे चल हट हट पीछे हट हटो पीछे 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 हटो। अरे क्या हुआ कार्तिक को मार दिया। अरे इसको क्या हो गया परमजीत साहब को धमकी देता है। देखा आज इसकी हालत क्या हो गई। वे कैंप को चुन चुन के मारेंगे। इसकी मदद और कौन करना चाहता है। तेरी ये मजाल की कार्तिक से हाथ उठाया। बेटे कार्तिक कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो उठो बेटा। Shake it to the right. सब्जी अच्छी लगी क्या? अरे वाह, जेल की सब्जी नहीं खाई ना। डेली एक ही टेस्ट, नमक कुछ ज्यादा होता है। बनाने वाले के आंसू गिर गए होंगे। जेल के बाद होटल में ही खाता था, आज पहली बार एक घर में खा रहा हूँ। अच्छा, तो आपका कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है क्या? हमारा सब कुछ तो हम सब भाई है। और मेरे सगे संबंधी यही है। अपुन की तरह हमसा भाई ने इन्हें भी पाला है। अपुन छह लोग थे। अपुन का दोस्त मुस्तफा जो बीमार हो गया था, लीवर खराब हो गया, उसका ऑपरेशन कराने के लिए लॉरी ड्राइवर हमसा भाई एक नामी गुंडा बन गया। हाथ काटने के लिए पैसे मिले, ऑपरेशन भी हो गया, लेकिन मुस्तफा जब हम लोग दफना के आए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मुझे बचाने के लिए ये सुपारी लेने लग गए। किसी और काम में दिलचस्पी नहीं। इस धंधे में एक ही खूबी है, बहुत पैसा मिलता है। हमसा भाई, अभी हमें बहुत काम करना है। क्यों, और भी किसी को मानना है क्या? इस जहां में जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। एक स्ट्रांग अंडा देना,
चपाती और चिकन करी नहीं है क्या? तुमने पूछा नहीं ना। अगर हम नहीं तुमसे पूछेंगे तो क्या तुम हमको नहीं दोगे? सुख के बाद तो दुख को आना ही है, ये अल्लाह की सेटअप है, हम उसे बदल नहीं सकते। वहां रखो, मुफ्त में खाना मत। इस तरह सपनों के दुनिया में रहना छोड़ दे जाफर, वो सब के सब यहाँ से कल चले जाएंगे, लेकिन जगन्नाथ मालिक यहाँ से कभी नहीं जाएंगे। जगन्नाथ के दिन अब पूरे होने वाले हैं। गुंडों को किसने बनाया, आखिर क्या हुआ? अरे क्या होना था, परमजीत और उसके लोग दुम दबा के भाग गए ना। अरे तुम देख लेना, परमजीत मालिक ही उन सबको मार के भगाएंगे। आज इसकी समस्या और भी बढ़ेगी। 100 साल की उम्र है, नाम लेते ही आप लोग आ गए, नहीं कहना जाफर। बाबा रामदेव की तरह खड़े रहोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, आई बात समझ में घोचू। हे चंगड़ू, अपुन को भगाने में तुम्हारा ही हाथ है, सुनने में आया? जो भी सुना वो सब गलत है भैया, वैसे मेरी जवान गलती से फिसल गई होगी भैया। ए जाफर, तुझे ही हम लोग ढूंढ रहे थे। क्यों? वो एक सस्पेंस है, आओ। देख रहे हो? इधर आ, ए सुअर की औलाद, तुझे ही इधर आओ साले। अगर नहीं आया तो जान से मार दूंगा। ओए तेरे कोई, इधर आ। आइंदा ऐसा काम किया ना, हम 5 पांडवों का चेहरा। अभी मत बोलना, समझे? छह महीने का जो भी सारा किराया था हमने चुका दिया, देख लो। किराया दे दिया बोल रहा है, यही नहीं एग्रीमेंट भी बना लिया बोल रहा है। हर साल 10% किराए में बढ़ोतरी, और किराया हर 5 तारीख को देना पड़ता है। वकील ने अपना दिमाग लगाकर बस्सी को बचा लिया। अच्छा हुआ, अब बस्सी भाई को किराया लेने के लिए उनके पास नहीं जाना पड़ेगा ना, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर कब तक भाई? कितने भी दिन क्यों ना हो, तुम चावल से परोठा बनाने की बात मत करो, वो यहाँ से नहीं जाएंगे भैया। लेकिन आप इतने अकलमंद होंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। उस थानेदार को सस्पेंड करवा दिया। ये आइडिया तो दिमाग से आया है। हाँ हाँ, लेकिन आने में थोड़ा वक्त लगेगा। हाँ? अदालत में वो तर-तर कांप रहा था। उस बलात्कारी के विरुद्ध तुमने कौन सी कार्रवाई की ये पूछते ही थानेदार हक्का बक्का हो गया। जज साहब ने बलात्कारी को 10 दिन के अंदर अदालत में पेश करने के लिए बोला है। हाँ, अब चाहे परमजीत भी चाहे तो भी अमिताभ को नहीं बचा सकता। हाँ, ये वकील के दिमाग की उपज जो है वो बहुत जल्द अरेस्ट हो जाएंगे। मान गया वकील साहब, आपके दिमाग की दाद देनी पड़ेगी। आप तो बहुत होशियार हो। नहीं नहीं, मैं होशियार नहीं हूँ, होशियार तो वो 5 पांडव ही है। गुंडा कहिए या बदमाश, किसी नाम से बुलाइए, वो तो बहुत ही अच्छे है। हम्म।
राजेश कहाँ है बे? हम यहाँ है साहब। सड़क के किनारे मूतने का जो मजा है ना, वो कुछ और ही है। कुत्ते यूं ही सड़क पे मूतते नहीं है। क्यों आए हैं सर? तुझे लेने के लिए आया हूं। तुम्हारी मति मारी गई है, बोल। समझा नहीं? मेरे लौंडो को अरेस्ट करने के लिए तुमसे किसने बोला? अभी रिहा कर दो उन्हें। मुमकिन नहीं। फसाद का केस है। उस गुनाह के लिए सबसे पहले तुम्हें अंदर होना चाहिए। मेरा मुंह मत खुलवाओ। पेटिशन में मेरा नाम नहीं है परमजीत। और ऊपर से कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट ऑर्डर? यस। ऑर्डर के विरुद्ध अगर मैंने कुछ किया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम कहां के थानेदार हो? कोर्ट के धमकाते ही डरकर भिदक गए? कार्रवाई कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, अभी मिला नहीं, यही कहते रहे। चलो उन्हें रिहा कर दो। नामुमकिन है भाई। अगर मैं ऐसा नहीं किया होता तो मेरी नौकरी चली गई होती। अगर खाकी नहीं होती ना तो तू भी मुझसे मुंह मोड़ लेता परमजीत। अगर खाकी होती तो तेरे जैसे हजारों परमजीत मुझे सलाम ठोकते, मेरे तलवे चाटते। फिलहाल मुझे इस खाकी की बहुत जरूरत है। बेशक तुम्हारी बातों ने मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन उसका मरहम मेरे पास है, मैं देख लूंगा। कान खोलकर सुन ले तू। ये ज्वाला जगन्नाथ है कौन? ये घर में बैठकर बस अंडे ही सेक सकते हैं, बस और कुछ नहीं। और दुश्मनों ने भी पूछना शुरू कर दिया है मालिक। घर में छुप कर रहिए मालिक, बाहर जाने से आपकी जान को खतरा हो सकता है। जवान को लगाम दो नायक, तुमसे किसी ने पूछा नहीं, खुद के बारे में सोचो। उसे बोल के क्या फायदा? ज्वाला ग्रुप का मजाक उड़ाने वाले को तू भी देख रहा था ना? उगते सूरज की ही पूजा करते हैं सब। उन लौंडों से दुश्मनी करने की क्या जरूरत थी? सबके सब चले गए ना, और हम हारे हुए सिपाही की तरह बैठे हैं। क्यों ना दुगने पैसे दे के हम उन्हीं को यहाँ बुला लेते हैं मालिक। चुप कर। लाश की तरह उसे ले जाते हुए तुमने देखा नहीं क्या? इसी बात पर खुश हुआ था ना परमजीत? हाँ। वो हद से गुजर गया तो मंडी को जलाकर राख कर दूंगा। वो अकेला राजा भरकर नहीं जिएगा। हाँ, किसकी दवाई है ये? शुगर की या प्रेशर की? कोलेस्ट्रॉल के लिए। गुंडे और गोली ही मेरे जीवन को बचाते हैं, यही लोगों की धारणा है। लीजिए। हाँ, बज गई सुबह की घंटी। हाँ परमेश्वर। हाँ जरूर, मैं आ रहा हूँ। हाँ सुनो विष्णु, बात करते समय किसी ने नकारात्मक जवाब दे दिया तो सकारात्मक थप्पड़ जड़ देना। मेरे कहने से पहले ही जो तुमसे हो सके दे देना। तुम कुटाई के बाद प्यार करना है ना, बहुत खूब, अच्छा स्टाइल है ये। कोई ऐसा प्राणी है क्या जिसे जान का डर नहीं है, खासकर हमारे हार्बर वाले। गाड़ी निकाल। ए वकील। खुद को क्या समझते हो? ज्यादा होशियारी दिखाई तो मार डालूंगा। कौन है तू? क्या काम है? तू काम क्या है यही जानना चाहता है ना? छोड़। अगर हम नहीं आते तो वकील साहब आपकी घिग्गी बंद हो जाती। नहीं नहीं, वो डरपोक है, गटीला बदन दिखाकर डराने वाले लोग डरपोक ही हैं। अपन लोग भी ऐसा ही है, तुम यही सोच रहे हो ना? अरे रे ऐसा नहीं, लोग पिस्तौल हथियार दिखाकर सबको डराते हैं, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, ये नहीं जानते। कैसा कानून? परमजीत और जगन्नाथ को तेरा कानून हिला नहीं सका। आज नहीं तो कल वो जरूर पकड़े जाएंगे। कानून से बड़ा कोई भी नहीं है। पैसे में कानून को खरीदने की क्षमता है। अरे नहीं, ये सब तुम्हारा वहम है। अरे पैसे वाले मंत्री भी तिहाड़ जेल में बैठ के सलाखें गिन रहे हैं। तुम लोग बहुत अच्छे लड़के हो, मेहनत मजदूरी करके जिंदगी क्यों नहीं गुजारते हो?
तुम्हें भी घर बसाना चाहिए। फिलहाल कोई जरूरत नहीं, जरूरत पड़ी तो बोलेगा। चल बे। इसकी कॉपी है ना? जी हाँ। आप सब लोग इस व्यापार के लिए तैयार हैं तो एग्रीमेंट पे साइन कर सकते हैं। कई सालों से मैं ज्वाला ग्रुप से माल ले रहा हूँ, वो छोड़कर मैं आपकी कंपनी से लूंगा तो? जो कहा करो, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इस तरह से कहने से क्या होगा? ठीक है, आप उन्हीं के साथ व्यापार करो, मगर लाभ का 20% मुझे देना होगा। मंजूर है क्या? पहले से ही मुनाफा कम है और उसमें से आधा तुम्हें दिया तो हमारे पास क्या रहेगा? एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। कहा अरे कार्ती, क्या इरादा है तेरा? आप उनके लौंडों को टपका के यहाँ के सुल्तान बनना चाहता है तो नामुमकिन है ये परमजीत। जब तक ये हमसा जिंदा है कभी नहीं होगा इसे। तूने जिस कार्ती को पिटवाया आज वो शेर बन के खड़ा है तेरे सामने। 56 इंच का सीना है इसका, देख खड़ा कैसे। तेरी ये मर्दानगी मर्दों के सामने दिखा। आप उनकी ताकत का अंदाजा तुम्हें नहीं है। हमला। हेलो। अरे अमिताभ, तू किस गोदाम में छुपा हुआ है? मेरे गोडाउन में आ जाओ, यहाँ पागल कुत्ते आए हैं। जल्दी आओ यहाँ, बाकी का काम मैं देख लूंगा। सुनो जॉन। सर, तुम वहीं रहना। वो परमजीत के गोदाम में हाथापाई हो रही है। यीशु मसीह की स्थिति ऐसी स्थिति। धर्मजीत के पास मत जाइए। धर्मजीत नहीं, परमजीत। दुश्मनों का सफाया करने के लिए परमजीत जैसे लोग पुलिस को पैसा देंगे, नहीं तो वो ऐसा सोचेंगे कि हम उनके किसी काम के लायक नहीं है। तो यहोवा के साथ साथ उसकी भी स्तुति हो। अरे देखो क्या हुआ इन लोगों को, किसने मारा? अरे झगड़ा हो गया। देखो क्या हो गया किसी ने। हाँ अरे देखो, अरे हटो। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ बोल? वकील साहब, आपको पता है? नहीं, हम अभी आए हैं। साहब, परमजीत के गुंडों ने अपुन की पिटाई कर दी है साहब, उन पर कार्रवाई कीजिए साहब। तुम्हारे कहते ही उसे अरेस्ट करने और छोड़ने के लिए ये खाकी तुम्हारे बाप की देन नहीं है। परमजीत के आदमियों को इनके साथ लड़ते हुए तुम इसे किसी ने देखा क्या? तुमने सुना नहीं? तुम में से किसी ने देखा? सच कह दूं क्या? तुमने देखा क्या? नहीं। तो फिर मुंह बंद करके रख। अब तो नहीं देखा बोलते हैं। चुप कर लल्लू। तो किसी ने परमजीत के आदमियों को नहीं देखा? यहाँ तुम्हें मारते हुए किसी ने नहीं देखा? गवाह के बिना कोई कार्रवाई अपन नहीं करने वाला। चल भाग यहाँ से। चलो निकलो यहाँ से। निकलो यहाँ से, बाहर निकलो। चलो से। तुम्हारी ये हालत कर दी? सामने लोगों ने हमारी हालत की। हे,
खुद को क्या समझते हो? नाटक करके हम पुलिस वालों को उल्लू बना रहे हो? तेरी जात का पैदा क्या उखाड़ोगे? इनके लिए अपन को गिरफ्तार करने के लिए ये वर्दी इनके बाप ने पहनी है। काहे को भौंकते हो? हमने ही उनकी पिटाई की, किसी ने गवाही दी क्या? गवाह के बिना अरेस्ट नहीं कर पाओगे। जिसने हमें मारा अगर हार्बर में नजर भी आया ना। हार्बर तेरे बाप की जागीर है क्या? बोलो क्यों हर बार इस तरह बाप का नाम ले रहा है तू? कहीं तू हरामजादा तो नहीं? बे अरे साहब काहे को मना चाहते हो? अगर आप उन्हें पीटा ना, गवाही देने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर किसी ने देखा भी तो गवाही कोई नहीं देगा, और गवाही के बिना केस फाइल नहीं कर सकते। कुत्ते का दिन आता है मेरे भाई, तब देख लूंगा। अगर अपुन लोग इसी जगह तेरे को जला दिया ना, तो तेरे को यहाँ बचाने के लिए तेरा बाप भी यहाँ नहीं आएगा। इतना याद रख ले, चलता हूँ। यहाँ क्यों बुलाया मुझे? क्लीटस, क्या क्लीटस, ये साला कहाँ मर गया? अबे क्लीटस, इधर भी नहीं है क्लीटस। कौन है, क्या चाहिए? ये जानने की जरूरत नहीं है प्रभाकर वर्मा, आने का मकसद बताता हूँ। 3-4 साल पहले तू कोचीन में धंधा करता था ना, और उस समय एक सेठ से कर्ज लिए थे 50 लाख रुपए। कितने लिए बता? 50। सिर्फ 50? 50 लाख। फिर तू भाग गया उन पैसों के साथ। ये पूछने वाला तू कौन है? तो तुझसे कितनी बार कहा था मैंने, अपुन का नाम पूछने के बजाय पैसा देके अपनी जान बचा के भागो। सेठ को पैसा मैं दे दूंगा। फिलहाल हाथ में कितने हैं? 2 लाख, वो भी बैंक में जमा करने। चल निकाल। नहीं, बैंक में जमा करने। गाना निकालने के लिए। अबे निकाल, अबे निकाल, निकाल। सोच के साथ 65 लाख बनते हैं, बाकी के पैसे जल्दी देना। अगर पैसे नहीं दिए ना, प्रभाकर वर्मा तेरी लाश याद तैरेगी इस समुद्र में। परमजीत के गुंडों की तरह तितर बितर मत हो जाना कार्ती। खेल यार। खेलो। क्या है? इस तरह से क्यों घूर रहे हो? इस तरह से हंसना मत जमना, हमारा मन बेकाबू हो रहा है। हमारा नहीं, तुम्हारा। अगर कोई लड़की हंसती है तो उसे हंसने दो ना कार्ती। बेटी तुम काम पर नहीं गई? आज नहीं गई दीदी, कल मुझे पहली तनख्वाह मिली थी, इसीलिए मंदिर होकर आ रही हूँ। तो फिर ये क्या है? अच्छी खीर बनाई है। बहुत को आज बहुत ही मजा आ गया। जब लोग तुम्हारे बारे में बोलते हैं तुम मीठा मीठा ही बोलते हैं। क्यों दीदी, ये ठीक कहा तुमने। खेलना।
झांसी दीदी के घर में सेटल होने का प्लान है क्या? उन्हें यहाँ रहने दो बेटी, जब तक उनका जी चाहता है। और फिर मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। इनके यहाँ आने के बाद मुझ में एक नई शक्ति आ गई है। मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। इस तरह से गुंडागर्दी करके कब तक जिएंगे ये लोग? उपदेश देने के लिए खीर वगैरह दी तुमने? जमुना का कहना बिल्कुल ठीक है कार्ती, तुम्हारा भी परिवार होना चाहिए। पांचों की शादी कराकर यही सेटल कराने का प्लान है गांव वालों का, है ना दीदी? हमें कोई एतराज नहीं है। हम में से तुम्हें कौन अच्छा लगता है जमुना? अगर मजाक कर रहे हो तो बता देती हूँ, ध्यान से सुनो, तुम पांचों मुझे पसंद हो। शत्रुओं को चारों खानों से चित करने का तुम्हारा वो स्टाइल और ये गठीला बदन, मगर दाम्पत्य जीवन के लिए ये सब काफी नहीं है। पढ़ाई लिखाई और अच्छे से नौकरी और अच्छे से स्वभाव वाले पति की ही ख्वाहिश रखती है लड़कियां। आजकल की लड़कियों की पसंद से तुम वाकिफ तो हो गए ना? अच्छा मैं चलती हूँ दीदी। ठीक है बेटी। देखो हमारी फ्रेंडशिप हमेशा बरकरार रहेगी। बाय। एक ही उम्मीद थी, वो भी चली गई। एक और चपाती लीजिए। मुझे नहीं लगता ये लोग ज्यादा दिन टिकेंगे। ये क्या भाई प्रेम, खाने की प्रतियोगिता हो रही है? मजदूर और फाइटर को खाना बहुत ज्यादा खाना, तभी दारा सिंह की तरह बॉडी स्ट्रांग बनेगी, मेरी तरह भी। अच्छा अचानक ये गाड़ी यहाँ कैसे? परमजीत के गुंडे हैं गाड़ी में। मालिक यही मेरी दुकान है आपके नाम से। जानता हूँ, लेकिन मैं इनसे मिलने आया हूँ, इन बदमाशों से। तुम लोग मेरे साथ रहो बच्चों, खून खराबे की जरूरत नहीं। मेरे पर्सनल स्टाफ कहो, बॉडीगार्ड कहो, कोई भी पोस्ट ले लो, हर जरूरत को जरूर पूरा कर दूंगा। इस तरह किसी की भी मदद फिलहाल अपुन को नहीं चाहिए। इस तरह मत बोला कर कार्ती, उम्मीद नहीं की होगी लेकिन मेरी मदद मिल जाएगी तुम्हें। अगर ऐसा है तो मर जाएगा। लगता है चूहे मरने के लिए चले आए। विकी, कार्तिक को अनिल के घर से जाते हुए देखा, उसका क्या काम है वहां? इलाही, कार्तिक ने उसे देख लिया क्या?
महीना के लिए जमा करके रखे हुए पैसे हैं वो, उसे लेकर मत जाओ तुम, तुम सड़ के मरोगे, सड़ के मरोगे, सड़ के मरोगे। चचा जान चलिए, आपकी बेटी की शादी हम कराएंगे, धूमधाम से कराएंगे, फिक्र क्यों कर रहे हो, चलो। राम सिंह पहचाना राम सिंह? हमसा, भिवंडी का हमसा। अच्छी याददाश्त है तेरी। एक जमाने में बंदरगाह के लोगों को डराने वाले राम सिंह की हालत देख रहा हूं मैं। मौत के इंतजार में लेटे हो लेकिन तकिए के नीचे कटार लिए हुए। हम सब लोग डरपोक हैं, ठोकर लगने के बाद भी सीखते नहीं हैं। मौत भी बुला नहीं रही है, अपने हाथों से गला घोट दो। तुझे मारने आया था वो। कौन? कार्तिक, उसे जानते हो? मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, इसे अस्पताल लेकर जाना होगा, कुछ पैसे दीजिए ना। निर्धन को जब रोग होता है तो उसकी एक ही दवा है, मौत। मरने दे। ऐसा मत बोलिए, हमारा बेटा है ना, तो कुछ कीजिए। पैसा कमाने का जरिया तुम्हारे पास है ना? तुम्हारा ये जो सुंदर बदन है उसका इस्तेमाल करो और बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा मत बोलिए। दवाई खरीदो। ऐसा मत बोलिए। तुम्हारी खूबसूरती देखकर मैंने तुम्हें अपना लिया। मेरे प्यार को कोख में पालने के लिए मैंने कहा था क्या? अगर यही हाल होता तो हिंदुस्तान के हर राज्य में न जाने मेरे कितने नाजायज बच्चे होते। आई बात समझ में? जाओ तुम जाओ। ये हम दोनों का खून है, इसे बचाना हमारा कर्तव्य है, इसे बचाइए ना। हाँ सुनो, इसे लेके जाओ। बच्चे के लिए दवाई चाहिए। जा। नहीं, छोड़ो। निर्धन को जब रोग होता है तो उसकी एक ही दवा है, वो है मौत। और वही बच्चा है राम सिंह, कार्ते, और उसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है। तुम्हारी जान लेने के लिए ही कार्ती यहाँ पर आया था।
एक जिंदा लाश की तरह तुम्हें देखकर होश के दिल को बहुत ही खुशी मिली होगी। तुम भी खुशी मनाओ राम सिंह, तेरे बुढ़ापे का सहारा था वो, लेकिन आज वो बंदरगाह का सबसे बड़ा गुंडा बन गया है। गुंडा लोग क्या पुलिस वाले भी से कामते हैं आज? उसके आगे तुमने पैसों के लिए हाथ फैलाए ना, मरने के बाद तेरी चिता को तेरा बेटा आग नहीं देगा राम सिंह। कार्तिक खामोश क्यों हो? एक जिंदा लाश की तरह वो मेरा शत्रु था, उसे मरना नहीं चाहिए, अभी मरना नहीं चाहिए था उसे। अब यहां रह के क्या फायदा? अगर वो जिंदा होता तो तुम्हारे मन में दुश्मनी होती, लेकिन अब वो नहीं है, ठीक कहा ना कार्तिक? कुछ दिनों की बात है, तब तक हम लोग कहीं भी नहीं जाएंगे, क्यों? ठीक है, चलो हम चलते हैं, वो इंतजार कर रहे होंगे। चलो मुझे फिर से आना पड़ा है ना? तभी मैंने कहा था कि उसे टपका दो, तब आपने कहा था कि छोड़ दो, बच्चे हैं। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, हार्बर के गिद्ध कौओं को उनकी लाश नोचते हुए मैं देखना चाहता हूँ। हमसा को कम मत आखना, दुश्मन के दुश्मन को भी टपकाने वाला आदमी है। चुप कर परमेश्वर। अच्छा बता, अब मुझे क्या करना है? हमसा और उसके लौंडे स्ट्रांग है, इसे दिमाग में रख के आगे बढ़ना है। उन्हें टपकाने के लिए हमें उनसे भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। पहले से ही स्ट्रांग हैं। जब तुम और परमेश्वर मेरे साथ हो ना, देख लिया ना कितने अच्छे दोस्त हैं मेरे, ऊपर से अमिताभ की पुलिस, हम लोग स्ट्रांग ही हैं गणेश। आप बुरा मत मानिएगा, आपके लौंडों को उन लोगों ने पीटा है, एक नहीं दो बार। उन्हें देखते ही ये सब कांपेंगे, वो तो पक्का है। और फिर इंस्पेक्टर अमिताभ और उनके साथी, वो केवल धरने पर बैठने वालों और कोई चोर लचक्कों को ही मार सकते हैं। जिसके हाथ में हथियार है उनका सामना करने के लिए उसके पास ऐसा क्या है बताओ? दूसरा क्या रास्ता है? डरो मत, बताता हूँ, मगर मैं जो बोलता हूँ वैसे ही करना पड़ेगा। तुम बताओ गणेश, उनको मार कर दफनाने के लिए मैं तैयार हूँ। आप
दोनों मुठ वाली चढ़ खींच लो, अच्छी तरह खींचो, खींच लो जोर से, इधर ले आओ। हाँ क्या है? मैं क्रिस्टी। ओ हमसा के आदमी हो? हमसा तू उसका बाप है क्या? हमसा भाई बोल के बुलाओ। ओ हमसा भाई, भिवंडी का हमसा, हमसा भाई। बस पैसा निकाल। अरे वो तो कहा ना पैसा निकालने के लिए। देखो 3 बजे एक आदमी ने कहा है कि पैसे लेके आऊंगा, इसी विश्वास पे हमसा को, अरे नहीं नहीं हमसा भाई को फोन किया मैंने, लेकिन अभी उसने फोन करके कहा कि 7:30 बजे आएगा वो। अगर दगा देने का इरादा है यहीं पे कचूमर बना दूंगा मैं। अरे नहीं ठीक 7:30 बजे पैसे मिलेंगे, मैं दे दूंगा, मेरी बोट में आ जाओ। हमसा भाई 7:30 को ही पैसा मिलेगा, मैं लेके ही आता हूँ। अच्छा ठीक है। आहा सही समय पर पहुंच गए हो, ये मेरी प्लानिंग नहीं है इनकी है। क्रिस्टी को देखा क्या तुमने? नहीं दीदी उसका मोबाइल स्विच ऑफ है। कोई यहाँ तो नहीं, ये देखने आया हूँ। हे ईशु ये भला कहाँ गया होगा? क्या हुआ उसे देखा क्या? चलो चलते हैं। चलो उठो ना साले। क्या बोलते हो अच्छी नींद आई ना? क्यों बे सो रहा, यहां देख। क्यों बे घूर घूर के देख रहा है? तुम्हारा शक ठीक है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, हम एक हो गए हैं, इसके पीछे टिप्पर गणेश का हाथ है। हाँ अब ज्वाला ग्रुप और परमजीत ग्रुप नहीं है, दोनों मिलकर शासन करेंगे। बुलाओ परमजीत इसे पालने वाले हमसा को। अरे रे रे सॉरी सॉरी यार, हमसा को नहीं हमसा जनाब को। उस हरामजादे को बुला, सिर्फ उसे नहीं उसके पालतू कुत्तों को भी बुला। मालिक 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 पता है आपको इसके 2 साथियों को किसी ने वहाँ बांध के रखा है? तुम्हारा शक ठीक है, शत्रु का शत्रु मित्र होता है, हम एक हो गए हैं। अभी ये सब बोलने से क्या फायदा, हमसा के आने से पहले उन दोनों को खत्म कर दो। मैंने आपको बोला था ना मालिक, देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। पहले उसके नकाब को उतार के फेंक, दुनिया को देख लो इनका चेहरा। मालिक मालिक
मालिक मालिक सलाम कौन सी गलती चाहिए जवाब दो। इन हरामियों को यहाँ लाने के लिए उन हरामियों को वहां बांधने वाला आप ही है। हमसे गलती हो गई, माफ कीजिए। ये नहीं कि अपन वहां आके तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकते। यहाँ इसलिए बुलाया कि तुम दोनों को मार खाते हुए यहाँ के लोग भी जरा देखें, तभी उनके मन से तुम्हारा खौफ निकलेगा। जान से मार डालो कमीने को। ए, रुक जाओ। इसकी गीदड़ भपके सुनते सुनते कान पक गए। ये मौत के मुंह में आया है मालिक, इसे मौत दे ही देता हूँ। अब आप खेल देखते जाइए। कौन मौत के मुंह में आया है और कौन खेल देखने वाला है, ये आज अपन दिखाने वाला है तुम्हें। आ जा आराम खोर। तुझे क्या हो गया है? हर बार शमशान में बदले इससे पहले उन बदमाशों को तुम भून डालो। उनका एनकाउंटर करूं या फिर तुझे और जगन्नाथ को कैसे अंदर करूं, उसका फैसला मैं लूंगा। ऐसे वक्त में मेरा हाथ मत छोड़ना अमिताभ। जब काम का वजन बढ़ता है तो पैसों का वजन भी बढ़ना चाहिए, यही मेरी पॉलिसी है। मुझसे वाकिफ होना पम्मो। तुम पहले हमारी जान तो बचाओ। तुम जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। मैंने कहा था ना,
एक दिन तेरे सर को काट के ही रहूंगा मैं।
में क्या हासिल किया देखा ना, मौत को गले लगाने के लिए बैठे हैं। ये बताओ कितने लोगों की जान लेगी ये जेल? बरी होने के बाद वो यहाँ फिर से नहीं आएंगे सर जी। अच्छा सवाल किया। कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम फिर कभी नहीं आएंगे जेल, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जेल से जाने के बाद भी वापस तुरंत ही जेल में आ जाते हैं। गणेश, कुछ भी हो जाए लेकिन चोरी का काम मैं कभी नहीं करूंगा। इन सब के पीछे नेताओं का ही हाथ है। तुमने देखा ना, एक गुंडा जिंदगी की भीख मांग रहा है जेल में। अरे पैसों के लिए नेता लोग कुछ भी करवा लेंगे इन लोगों से, लेकिन एक बार किसी गुंडे की जान चली गई ना, तो जान को कोई नेता लौटा नहीं सकते। पैसा ही दुनिया में सब कुछ नहीं है, पैसों का सदुपयोग करना सीखो, यही मैं बोलूंगा। कोई पैदाशी गुंडा नहीं होता है गणेश। हम दोनों की कहानी को ले लो गणेश, मैंने अपने दामाद की हत्या जो की और हम सब सजा के हकदार हैं, तभी जनता न्याय पर भरोसा करने लगेगी और उन्हें विश्वास होगा न्याय पर। इसलिए मुझसे मिलना चाहते हो? हम दोनों को जल्द ही फांसी पर लटकाने वाले हैं।
इसलिए आपसे मिलना चाहते थे। क्या आप हमारी मदद करेंगे? कैसी मदद? कैसी मदद चाहते हो तुम लोग मुझसे? दोनों को फांसी से बचा सकते हैं क्या? हमने जो भी पाप किए हैं उसका पश्चाताप करने के लिए तैयार है। हमें कोई भी दंड मंजूर है, लेकिन हमें फांसी से बचा लीजिए। कुछ दिन और हम जीना चाहते हैं। बेटा मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि रोना मत, ये विधि का विधान है। ये सब कहकर मैं तुम्हें सांत्वना दूं क्या? क्या फायदा है? लेकिन एक बात बोलता हूं कार्ति, तुमने अपने मन की बात मुझसे कही ना, वो बात आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक रहेगा, एक उदाहरण रहेगा कि आगे कोई भी गुंडा बनने से पहले एक बार जरूर सोचेगा। कई लोगों के मन के पाप के दाग को धोने के लिए तुम्हारे आंसू ही काफी है कार्तिक।